इटर्नल्स मूवी के बाद टोटल तीन एंडिंग है और तीनों क्लिफहैंगर है, जहां अपन को सबसे पहले ये बात पता चलती है कि जब इटर्नल्स ने टाइमुथ सेलेस्टियल के इमर्जेंस को रोका था तो इक्रिस और स्प्राइट को अवॉइड करते करते, मगर एंड में सब एक हो ही जाते हैं। इक्रिस को अपनी गलती समझ में आ जाती है, वो बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है, अपने आप को खत्म करने के लिए सूरज के इतने करीब ज्यादा चला जाता है कि इट सीम्स लाइक कि ही इज डेड। तो अपना सबसे पहला सवाल यही खड़ा होता है कि क्या इक्रिस मर चुका है। देखो पिक्चर भाई PG-13 है तो ब्रुटैलिटी तो देखने को मिलेगी नहीं, मगर इट सीम्स लाइक कि बाकी इटर्नल्स भी इक्रिस को डेड मान चुके हैं। किंगो ये बात कहता भी है कि इट्स अ शेम व्हाट हैपेंड टू इक्रिस, मगर ये फैक्ट अभी भी क्लियर नहीं है कि जब एजैक मरी तो बाकियों को पता कैसे नहीं चला, तो इस बात से उन्हें इक्रिस के बारे में पता नहीं चलना चाहिए। लेकिन देयर इज अ काउंटर पॉइंट वी कैन कंसीडर, सर्सी अब एक प्राइम इटर्नल बन चुकी है, तो देयर माइट बी अ स्ट्रांग कनेक्शन कि बाकी इटर्नल्स के मुकाबले में उसके पास ज्यादा पावर्स है। इक्रिस का सूरज के करीब जाना डायरेक्ट रिसेम्ब्लेंस है ग्रीक मिथोलॉजी के इकारिस का, जहां इटर्नल बताते हैं कि स्प्राइट ने ये कहानी अपने मन से इन्वेंट की है। लेकिन अपने ग्रीक मिथोलॉजी का ये वाला रेफरेंस काफी ही सेंस बनाता है कि वो अब टोटली ही मर चुका है, मगर मार्वल अभी भी इक्रिस की किस्मत एम्बिगुअस ही रखता है हर एक सेंस में। खैर अपना अगला सवाल आता है कि इटर्नल्स अब बच चुके हैं, जब उन्होंने आरिशिम के प्लान को फेल किया धरती को बचाने के लिए तो वो उसके बाद बचे हुए इटर्नल्स अलग हो गए। मकारी, द्रुग और थीना डोमो शिप से अर्थ छोड़ के चली गई गैलेक्सी में बाकी इटर्नल्स को खोजने के लिए, ताकि वो सेलेस्टियल का असली सच बता सके। और पोस्ट क्रेडिट को देख के लगता भी है कि उन्हें अपने पहला मुर्गा खींचने में काफी हफ्तों लग गए। ठीक वहीं बचे हुए इटर्नल्स अर्थ पे रुक जाते हैं, सर्सी लंदन लौट जाती है, किंगो स्प्राइट को बड़ा करने के लिए एग्री हो जाता है और फास्टोस उसकी फैमिली के साथ एजैक के रैंच पे शिफ्ट हो जाता है। हालांकि फिर भी सर्सी और किंगो फास्टोस के आरशियम के थ्रू किडनैप कर ली जाती है जब वो अपनी सरप्राइज एंट्री अर्थ पे मारता है। स्प्राइट वहां पे सबके साथ नहीं जाती क्योंकि अब वो एक इंसान बन चुकी है, मगर उसका गार्जियन किंगो नहीं रहा, विच मींस कि अब वो उसके बाकी लोगों के साथ, मतलब कि इनडायरेक्ट उसके मैनेजर के साथ ही वो अपनी बाकी जिंदगी अकेले अपने ऊपर ही बिताएगी। और इसी दौरान गिलगमेश और एजैक अभी भी डेड ही माने जाते हैं, विच मींस कि बाकी मरे हुए इटर्नल्स की तरह इक्रिस भी यहां पे मरा हुआ माना ही जाएगा। लेकिन आरिशम इटर्नल्स को लेकर कहां गया और क्यों, जिसका सीधा सिंपल आंसर आता है कि वो उन्हें वर्ल्ड फोर्ज ही ले गया। वो एक कॉस्मिक लोकेशन है जहां पे आरिशम ने इटर्नल्स और बाकी प्लैनेट्स को बनाया। आरिशम यहीं पे इटर्नल्स की बाकी यादों को भी स्टोर करके रखता है जो उनके पिछले मिशन से मिटा दी गई थी। वो सर्सी, फास्टोस और किंगो को वहां से ले जाता है उनकी मेमोरीज को स्टडी करने के लिए। आरिशम तो गुस्सा है कि उन्होंने उसके ऑर्डर्स की अवहेलना की और टाइमुथ को इमर्ज होने से रोका, लेकिन जिसकी वजह से वो जानना चाहता है कि क्या इनका डिसीजन सही भी था। वो ये कहता है कि भाई उनकी यादें वो एग्जामिन करेगा, जितना भी समय उन्होंने यहां पे अर्थ पे बिताया था, और क्या वो ह्यूमैनिटी बचाने का डिसीजन सही रहेगा, इसका फ्यूचर कॉन्सिक्वेंसेस क्या निकल के आएंगे। और अगर आरिशम को ये पसंद नहीं आया तो वो वापस लौटेगा अर्थ को जज करने के लिए, काफी खौफनाक होगा ये। लेकिन क्या वो इसे जिंदा छोड़ देगा या नहीं, वो तो समय ही बताएगा। लेकिन अपन धरतीवासी हैं, ढीठ आदमी, इतनी जल्दी नहीं मरने वाले। अब गुरु बात आती है अपने पहले पोस्ट क्रेडिट सीक्वेंस की। थानोस का भाई अय्याशो का राजा प्रिंस ऑफ टाइटन स्टार फॉक्स, इसे प्ले किया है हैरी स्टाइल्स ने। हैंडसम तो दिखता है बंदा, मैं झूठ नहीं बोल पाऊंगा। खैर हीरोज का डेब्यू हमें मिड क्रेडिट में देखने को मिलता है, जहां थीना, ड्रुग और मकारी स्पेस में हफ्तों से घूम रहे हैं। मकारी कंफ्यूज होती है कि उन्होंने कई दिनों से भाई बाकी किसी इटर्नल के बारे में पता ही नहीं पाया। मगर उसी चर्चा के बीच में एक अजीब सी आवाज आई, एक पोर्टल खुला जिसमें से पिप द ट्रोल नशे में गिरते पड़ते हुए बाहर निकलता है। पिप तुरंत ही अपने कॉस्मिक फाइटर पावरफुल पार्टनर को इंट्रोड्यूस करता है, अपनी टेलीपोर्टेशन वाली पावर से स्टार फॉक्स को शिप में अंदर ले आता है। स्टार फॉक्स समझाता है कि मैं तुम्हारी मदद करने आया हूं और जानता हूं कि बाकी इटर्नल्स क्या है, मगर इसके बीच का कैच क्या है अभी वो पूरी तरीके से नहीं पता। वो बोलता है कि थीना खूबसूरत है, और जैसे मैंने बोला कि भाई वो अय्याश आदमी है, लेकिन मार्वल ऐसा नहीं करने देगा। जो मैं कहना चाह रहा हूं तुम बात समझ ही रहे हो। लेकिन हालांकि एरोस की पर्सनैलिटी बहुत ही रंगीन रही है कॉमिक्स में भी, अपने भाई की तरह नहीं है, हैंडसम है, एक नंबर का लौंडियाबाज आदमी है, और इसे स्टार फॉक्स नाम भी पहली बार अर्थ पे ही मिला था जब वो अर्थ के माइटीएस्ट हीरोज के साथ दुनिया को बचा रहा था। ये काफी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर होने वाला है, क्योंकि भाई शीहल के कहानी में भी वो इसके केस को सुलझा रही होती है, वो उसकी मदद कर रही होती है, लेकिन भाई एरोस उसी के मजे ले लिया होता है। लेकिन यार जो उसके बाद जेनिफर ने हल्क बन के उसको पेला है, क्या ही बताऊं, ये बंदा काफी बार पिट चुका है मगर अपनी आदत से मजबूर। देखने लायक होगा कि भाई हैरी स्टाइल्स क्या गुल खिलाते हैं इसके साथ। फिर अपना आखिरी एंड क्रेडिट सीन देखने को मिलता है, सर्सी का मुंह बोला बॉयफ्रेंड डेन व्हाइटमैन। मूवी में उम्मीद से भी काफी छोटा रोल होने के बावजूद भी किट हैरिंगटन की फ्यूचर काफी ब्राइट नजर आती है। अपने एंड क्रेडिट सीन में अपन को देखने को मिलता है कि डेन एबनी ब्लेड को एक्वायर करने के लिए बहुत ज्यादा हिचकिचा रहा है, क्योंकि सर्सी गायब हो चुकी है और उसे पता लगाने के लिए उसकी इसकी जरूरत पड़ेगी। वो इस उम्मीद में है कि भाई एबनी ब्लेड उसकी हेल्प करेगी, उस उपाय में वो उसके पास जाता है, क्योंकि भाई एंड में सब कुछ हैप्पी हैप्पी होने के बाद डेन सर्सी को अपने कॉम्प्लिकेटेड फैमिली हिस्ट्री के बारे में बताने ही जा रहा होता है कि आरिशम
सैम उसे उठा ले जाता है। फिर क्या, डेन का प्लान बनता है कि मैं किसी रोमांटिक पिक्चर की हीरो की तरह हीरोइन के पास जाऊंगा, विलन से लड़ूंगा और उसे बचा के लेकर आ जाऊंगा, और वो भी अपने बड़े हाथों की चिल्लाएगी कि ओ माय ट्रू लव आ गए तुम। मगर उसको तलवार उठाने की भाई हिम्मत ही नहीं हो रही है अभी, क्योंकि भाई सदियों से जिस किसी ने भी इस ब्लेड को एक्सेप्ट किया है वो उस शख्स के दिमाग को धीरे धीरे भ्रष्ट करने लगता है। और डेन को इसी बात की वजह से काफी ज्यादा हिचकिचा रहा है, क्योंकि वो अपनी फैमिली की ब्लडी हिस्ट्री के बारे में जानता है कि मेरा खानदान कितना हरामी रह चुका है। मगर हमें यहाँ पे ये कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि बैकग्राउंड में हमें मार्शल अली की आवाज सुनने को मिलेगी, एमसीयू के नए वाले ब्लेड की। वो बोलते हैं कि क्या तुम वो ब्लेड उठाओगे और ब्लैक नाइट का बुरा सपना जियोगे। खैर इसमें से मैंने दो चार लाइन अपने से ऐड की हैं, मगर तुम्हें समझाने के लिए की हैं। और ब्लेड के अंदर एक मैसेज यहाँ पे ये भी लिखा होता है कि डेथ इज हिज रिवॉर्ड, जो कि इस ब्लेड की हिस्ट्री से उसे कनेक्ट करता है। और मार्शल अली की आवाज सुनना एक टीज था कि डेन हमें ब्लेड के साथ में देखने को मिलेगा, क्योंकि मार्वल ऐसे ही कुछ नहीं खेल देता, उसके पास कुछ प्लान है। डेन ब्लेड के साथ में देखने को मिलेगा, जो कि बुरा से बुरा 2024 तक अपन को देखने को मिलेगा, या फिर अगर किस्मत अच्छी रही तो भाई डिज्नी प्लस के साथ कुछ देखने को मिल जाएगा। मगर मैं तो चाहूंगा कि भाई इसे डेडिकेटेड सोलो मूवी में लेकर आओ, ऐसे ही दिखाओ, ज्यादा ध्यान दो इस पे। मगर कमेंट से तुम अपनी ओपिनियंस बताओ कि तुम इसे किस तरीके से देखना पसंद करोगे। इटर्नल्स होपफुली लौटने वाले हैं, वो भी किसी स्पिन ऑफ ऑफ सीरीज में नहीं, सीधा सीक्वल और डायरेक्ट या फिर एवेंजर्स 5 में भी देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि भाई फेस 4 में तो इनका जो काम था वो हो गया। ये हम इंसानों को बचाने के लिए इटर्नल्स दोबारा से मेहनत करेंगे, दोबारा से लड़ेंगे, ताकि हमारी मौत को और भी ज्यादा टाला जा सके। खैर तुम अपनी ओपिनियंस बताओ कि तुम्हें ये मूवी की एंडिंग कैसी लगी, क्या तुम्हारे एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक ये चीजों को पूरी कर पाया, और तुम इनके पोस्ट क्रेडिट और एंड क्रेडिट सीक्वेंस को देखकर मार्वल के फ्यूचर को लेकर क्या एक्सपेक्टेशन जज करते हो कि हां भाई ये कितना बड़ा होने वाला है, क्या तुम एक्साइटेड हो, कमेंट्स उसके बारे में मुझे जरूर बताना। इसके अलावा अगर आपको स्टूडियो देख के कहीं भी अच्छा लगा, खुशी या मजा आया तो लाइक मार दो इस वीडियो को। इस चैनल पे कहीं से भी नए आगे हो तो सब्सक्राइब तो माय द नेक्स्ट चैनल को, और अगर आपको वीडियो को ज्यादा ही पसंद आ गई तो अपने दोस्तों शेयर कर देना। मेरे इंस्टाग्राम और ट्विटर हैंडल्स के साथ मेरे फेसबुक पेज की भी यानी कि मेटा की भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, जहां पे मैं यही सारी वीडियोस बहुत ही प्लीजिंग तरीके से एडिट करके विद कैप्शंस डालने लगा हूं, तो वहां मुझे फॉलो करके चेकआउट करना मत भूलना, और देखते रहिए पीजे एक्सप्लेन।